तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रवीण सिंह। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इंसान है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह आपके प्यार की वैल्यू समझ ही नहीं रहा है। आप दिन भर बस उसके बारे में ही सोचते हैं। आप उसको बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो है कि उसको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। आखिर वह क्यों नहीं समझती है कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, कितने केयर करता हूँ, कितनी वैल्यू देता हूँ, मैं उसके लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, आखिर वह यह सब क्यों नहीं समझती है। तो दोस्तों सिंपली इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि आपके प्यार में वो वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि आप उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू खो चुके हो। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप उसके हद से ज़्यादा पीछे पड़े हुए हो, आप उससे बहुत चिपकू टाइप बिहेव कर रहे हो, आप उसको हर जगह फॉलो कर रहे हो, आप उसको हो सकता है बहुत फोर्स कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। दोस्तों अगर आप यह सब चीज़ें करते हो ना तो आप उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू खो दोगे, और आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी ही गिड़गिड़ा लो, कितना ही मत्था टेक लो, नाक रगड़ लो, चुनरी चढ़ा लो, चद्दर चढ़ा लो, फूल बत्ती लगा लो, कुछ भी कर लो, वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझने वाला, क्योंकि आप उसके लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल हो। उसको मज़ा आएगा यार आपको नीचा दिखाने में, आपको आगे पीछे घुमाने में, क्योंकि आप उसके पीछे हद से ज़्यादा बड़े हुए हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान में ही वह वैल्यू नहीं है। आप चाहे उसको कितना ही समझा लो वह नहीं समझने वाला, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और है, वह अभी किसी और ही दुनिया में है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं जो प्यार को नहीं समझ पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी और ही दुनिया में होते हैं। आप चाहे उनको कितना ही समझा लो, कितना ही गड़गड़ा लो, चाहे मत्था टेक लो, भीख मांग लो, कुछ भी प्रूफ करके दिखा दो, लेकिन वो नहीं समझने वाले। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो ना समझे उसको कभी समझाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर जिसको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है उसको आपके प्यार की वैल्यू भी नहीं कराई जा सकती। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर आप हद से ज़्यादा उसको टाइम देते हैं, हद से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, उससे बात करते हैं, उससे आगे पीछे घूमते हैं, हमेशा सिर्फ उसके लिए ही रहते हैं, तो आज ही यह सब करना बंद करो। उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करो, नहीं तो वह आपकी वैल्यू कभी नहीं कर पाएगी। यार अपनी वैल्यू बढ़ाओ, हर जगह अपनी वैल्यू बढ़ाओ, तभी वह आपको और आपके प्यार को समझ पाएगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला लड़का या लड़की ही ऐसा होता है कि वह आपके प्यार को समझ ही नहीं पाती। कुछ भी कर लो चाहे वह आपके प्यार को नहीं समझ पाएगी। हो सकता है कि वह आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, हो सकता है कि वह आपको बिल्कुल प्यार ही ना करती हो। वो उल्टा अगर आप उसके आगे पीछे घूमोगे, आप करोगे प्लीज़ कहाँ बिजी हो, मुझसे बात कर लो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, बहुत केयर करता हूँ, बहुत केयर करती हूँ, आप चाहे उसको कुछ भी बोल लो, आप कभी भी उसकी नज़रों में वैल्यू नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हो, आप उसके लिए अवेलेबल हो। और दोस्तों यह बात आप साफ जानते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास होती है हम उस चीज़ की वैल्यू कभी नहीं करते। एक उदाहरण आपको ऐसे दे सकता हूँ कि कोई चॉकलेट है आपको बहुत पसंद है, आपको कभी भी दे दी जाए आप उसे खा सकते हो, लेकिन अगर वही चॉकलेट आपको सुबह शाम दिन रात दी जाए तो क्या आप उसे खा पाओगे? आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे यार। आप सोचोगे यार ये मेरे पास हमेशा रहती है, मैं तो उसको कभी भी खा सकता हूँ, चलो दूसरे ट्राई करते हैं। तो यही होता है। तो दोस्तों अगर कोई आपके प्यार को नहीं समझ रहा है तो सबसे पहले तो आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ उसकी नज़रों में। आप उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू गिराओ मत, आप उसके पीछे मत पड़े रहो,
उसके लिए चिपको मत, आप उसके लिए मरो मत। उसको आपकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो, तभी वह आपसे प्यार कर पाएगी, तभी वह आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरी बात यह हो सकती है कि वह लड़की आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे भीख मांग लो उससे प्यार की, वह आपको मना कर देगी, उल्टा वह आपसे इरिटेट हो जाएगी, आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगी। तो यह सब तो बिल्कुल करना ही मत। तो अगर कोई लड़की आपके प्यार को इतना करने के बाद भी नहीं समझ रही है तो उसको वहीं छोड़ दो, नहीं तो अगर आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया तो आप अंदर से इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो आपको उस लड़की को वहीं छोड़ देना बेहतर है। इस दुनिया में दोस्तों एक बात बता दूँ, इस दुनिया के अंदर अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। इस दुनिया के अंदर एक से एक ज़्यादा खूबसूरत, एक से एक इंटेलिजेंट और एक से एक कमाल की लड़की आपको मिलेगी। बस खुद पर और खुद की वैल्यू पर फोकस करो। तो दोस्तों 6 महीने एक लड़की के पीछे पड़े रहने से अच्छा है कि 6 महीने आप अपने टैलेंट पर, अपने स्किल पर लगाओ, तो आपके पीछे 6 बंदी आएंगी। तो दोस्तों यही आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आप उसके पीछे पड़ो मत। ऐसा मत शो करो कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो। अगर आपने ये शो कर दिया कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो तो आपसे बिल्कुल नहीं इम्प्रेस होने वाली, वह आपके प्यार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अगर वह आपके प्यार को इतना सब करने के बाद भी नहीं समझती है, आप उसके पीछे पागल हो फिर भी वह आपके प्यार को नहीं समझती है, तो उसको जाने दो और खुद पे फोकस करो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आएंगी, तो उन पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो, बस यही है। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वारी हो, अगर मन में कोई सवाल हो, अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @PraveenSinghOfficial, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।